तो देखो, मेरा इस कमरे में रहने का फायदा पता क्या है, आपको दिखाते हैं। अभी आज का मैच तो हमने जीत लिया है, हमने बनाए थे 90 रन। ये परसों का मैच विनर कैलाश कितने छक्के मारे थे परसों। वो ब्रांडेड चश्मा है, वो पहनो ना, चले पहनो, एक बार पहनो तो सही उसको। फिलहाल हो गई एक नए दिन की शुरुआत और आज मौसम बिल्कुल अच्छा लग रहा है। कल से 2 दिन ना भयंकर वाली स्नोफॉल हो रही थी और पूरा जो वेदर का फोरकास्ट में भी दिखा रहा था -1 का टेम्परेचर चल रहा था, लेकिन आज ना मतलब आज का भी ऐसे ही दिखा रहा था कि 24 तारीख तक लगातार वही हेज और स्नोफॉल दिखा रहा था, रेनी दिखा रहा था, लेकिन आज थोड़ा सा मौसम ठीक है और आज थोड़ी सी धूप आई है तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि 2 दिन से थोड़ा हालत ख़राब हो गई थी। बाकी आज ना हमारा फिर से मैच है और लास्ट जगह ये मैच हो रहे हैं, मतलब ये टूर्नामेंट इस सीज़न का लास्ट टूर्नामेंट है। यहाँ ख़त्म होने के बाद सीधे टूर्नामेंट बंद, बाकी फिर से हम काम में वो आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। बाकी पहले नाश्ता करते हैं और आपको अभी का मौसम दिखाते हैं। तो आज के मौसम की बात करें, धूप आई हुई है, थोड़ी थोड़ी से बादल लगे हुए, ठंड थोड़ी बहुत हो रही है लेकिन धूप आने से अच्छा लग रहा है। और नीचे मौसम, नीचे देखो खेतों में ये सरसों और गेहूं के खेत अब थोड़े थोड़े उगने लगे हैं, क्योंकि ना इनको बारिश का पानी मिल रहा है और बढ़िया, जब से स्नोफॉल होने शुरू हो गई थी तब से काफ़ी बढ़िया पानी मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छी ग्रो करने लग गई। देखो फसल पूरी अच्छी खासी हो गई, पूरी हरियाली दिख रही है। तो चलिए नाश्ता करते हैं। और अब्बू गुड मॉर्निंग। इसको नहाने धोने की कुछ होश नहीं है, बिल्कुल नहाता नहीं है कभी। सही बता, लास्ट टाइम कब नहाया था? सच्ची बात दिल से बताना। 2 दिन पहले। ये विषय मम्मी की तरह हो गए, मैं और पापा हमेशा नहाते हैं और मम्मी ऐसे 3-4 ऐसे दिन होते हैं इनके। तो मम्मी भी यहाँ पर, गुड मॉर्निंग मम्मी। मम्मी भी अभी रोटी बना रही है और मम्मी ने जैसे सुना मैंने अब्बू और मम्मी की तोहीन करी, गुस्सा हो गई मम्मी, नहीं ना आती तो 2-3 दिन में, सही बताना क्यों? तो ठंड में होता है, मैं तभी तो बोल रहा हूँ, एक देख भूत को देख, तो जरा दिखती भी है सही, ये लगता है जैसे पता नहीं कहा ऐसा लगता है पता नहीं कब कब से नहीं आया है। चलो वो मेरे रोटी रखे सर, प्लीज प्लीज तू रख, मैं कैमरा पकड़ता हूँ। अपना नाश्ता भी आ गया है, आज मम्मी ने बनाया रोटी और हरी राइस, राई की सब्जी है। और मेरे को ना इतनी उत्सुकता होती है ना जब मैं मैच खेलने जाता हूँ ना, मैं बाउल वगैरह का कटोरी नहीं निकालता हूँ, फट फट जितना जल्दी हो सके, कभी कभी तो मैं ऐसे ही मोल लेता हूँ, ऐसे खा लेता हूँ। मतलब खेलता मैं कम हूँ लेकिन उत्सुकता मेरे को बहुत ज़्यादा होती है खेलने की। अभी क्या ही बताओ यार, छोड़ो, बताएंगे अगली बार, जब फुर्सत आएंगे तो अगली बार अच्छे से बताएंगे। बाकी अभी नाश्ता करते हैं, राई की सब्जी और विद रोटी, ये रही भाई के साथ चाय। पापा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखो कल ना ऊपर गेस्ट ने किसी ने गुची का चश्मा चोरी लिया, पापा पहनना इसे, गुची वो ब्रांडेड चश्मा है, वो पहनो ना, चले पहनो, एक बार पहनो तो सही उसको। अब ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे अक्षय कुमार वाला मस्त लग रहा है, मस्त लग रहा है। अरे ब्रांडेड है वो, लौंडों के काम आता है, ऐसा थोड़ी छपरी पहन दे भगवान, छपरी की वजह मतलब जैसे अब्बो गया मेरे पे कैसा लग रहा है, ऐसे तो पहनता है इसको, घर से। और अभी पहले सामने जाएंगे, फिर वहां से गाड़ी करेंगे और फिर साथ में निकल जाएंगे, और अभी तो अच्छी खासी धूप भी आ गई है। तो चलो फिलहाल हम लोग भी बैठ गए हैं गाड़ी में, बाकी अब यहाँ से निकलते हैं। ये देखो हमारी टीम, भैया जी, हेलो भैया जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और ये हमारे कैप्टन साहब, पीछे हमारी टीम, गुड मॉर्निंग बोलो भाई साहब। और तो चले चलते हैं फिर। तो चलो अभी टीम भी पहुंच गई है, बाकी हम लोग जा रहे हैं अभी, अभी कैसा दर्द? ठीक है, ठीक है। हम लोग जा रहे हैं अभी नीचे टॉस के लिए, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए हैं।
तो चलिए जी, टॉस हो गया है, टॉस हमने हार जो हार गए हैं, बाकी हमारी आई है पहले बैटिंग। तो अभी पिच का देखते हैं कैसा पिच है अभी। तो आज का जो मैच है ना, सामने जो ये गांव है उनके ही साथ है। तो अभी पहले पिच देखते हैं, पिच का मिजाज कैसा है, क्योंकि कल रात से तो भयंकर बारिश हो रही है तो पिच थोड़ी सी गीली होगी। तो ये हमारा कैलाश, ये है परसों का मैच विनर। कैलाश कितने छक्के मारे थे परसों? अरे यार, इसने मारे थे 10-11 छक्के तो लगा ही दिए थे इसने। तो आज भी देखना पड़ेगा कैसा रहता मैच। तो अभी आज का मैच तो हमने जीत लिया है, हमने बनाए थे 90 रन और लगभग 20-25 रनों से उनको हरा दिया है। बाकी अब यहाँ से निकलते हैं। आज मैं मैच नहीं बनाया मैंने, क्योंकि यहाँ पर ना मेरे को लग नहीं रहा मैच, क्योंकि बहुत सारे मैचेस देख लिया, कंटिन्यूस मैच ही देख रहे हैं, तब वही लाइफस्टाइल ब्लॉग पे वापस आ रहे हैं। टीम तो आ ही रही है वापस। और वैली देखो यार, ये खूबसूरत वैली सामने देखो, पूरा बादलों का जमावड़ा, काले बादल। मतलब तीसरा, मतलब तीन मैच होते हैं एक दिन में, तो आज शायद दो ही मैच होंगे, तीसरा तो लग नहीं रहा क्योंकि पूरा ऐसा हो गया। तो चले जी, अभी मैं घर पे पहुंच गया। और ये मैं मार्केट से आ ही रहा था, एक तेल का कनस्ता था ना, वो बहुत दिन हो गए थे जब हम गेट में फाइनल जीते थे ना, उसके उस दिन से पहले से था, वो एक दुकान पे रखा हुआ था, वो अभी जाके मैं लेके आ गया घर। और अभी घर आते हुए देखो सामने का मौसम, देखो पूरी बारिश आ गई। और अभी ना वहाँ पे हमारी एक दूसरी टीम का मैच भी चल रहा है, तीसरा मैच है वहाँ पे। तो लग नहीं रहा है कि ऐसे हालत से, क्योंकि उस साइड तो थोड़ा खुला हुआ है, यहाँ मौसम पूरा ख़राब है। तो आइडिया नहीं है कि वहाँ पे क्या हो सकता है, वहाँ पे बारिश भी हो सकती है और धूप भी। अब देखते हैं, कल पता चलेगा, मतलब जब वो खेल लेंगे तो पता ही तब चलेगा। बाकी अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं, अभी टाइम लगभग ना दिन के 2 बज गया। देखो जैसे ही मैं घर पहुंचा, घर पे देखो स्नोफॉल होने लग गया, ये नीचे देखो। मतलब मौसम ना इतना ठंडा हो रहा था कि सीधे स्नोफॉल होने लग गया, बारिश ही आई सीधे स्नोफॉल ही शुरू। और अभी ये वाला स्नोफॉल ना, वो रुई वाला स्नोफॉल नहीं हो रहा है, मतलब इसको भी स्नोफॉल ही बोलते हैं, लेकिन ये ना तो ओले होते हैं और ना ही पूरा स्नोफॉल होता है, एक तो ये बीच का मीडियम वाला है। गिर तो बर्फ ही रही है, लेकिन थोड़ा अगर और मौसम ऐसा गड़बड़ हो जाएगा तो फिर वो रुई वाला प्रॉपर स्नोफॉल होने लग जाएगा। तो देखो मेरा इस कमरे में रहने का फ़ायदा पता क्या है, आपको दिखाते हैं। जैसे मैं अपने कमरे का दरवाज़ा खोलता हूँ ना, मेरे सामने ये व्यू दिखता है और सीधे स्नोफॉल। जब मेरा मन करता है मैं सीधे स्नोफॉल देखता हूँ, जब मन करता है ग्रीनरी देखता हूँ, जब मन करता है धूप देखता हूँ, जब मन करता है बारिश देखता हूँ, तो सब कुछ मेरे को यहीं से दिख जाता है। इसलिए मैं इसको, मेरे को ना इस कमरे में रहना पसंद है। ये दरवाज़ा है और ऐसे खोलो सब कुछ दिख जाता है बाहर। तो अभी थोड़ी बहुत स्नोफॉल होने के बाद ना, थोड़ा सा मौसम अभी मतलब स्नोफॉल रुक गया और वो सामने पहाड़ों पे स्नोफॉल आ गया। बाकी मेरी चाय भी आ गई और अब्बू भी आ गया। अब्बू के साथ आज मोए मोए हो गया, मेरे साथ क्यों हुआ मोए मोए? फोन चार्ज वाला गया, लेट चल गया। नहीं भाई, चाय आई के साथ नहीं। ठंड के मौसम में अगर चाय मिल जाए तो उसकी मजा ही कुछ अलग है। बहुत लोग होते हैं जिनको चाय पसंद नहीं होती है, लेकिन जब ठंड होती है ना भाई, तो फिर तो सबको ही चाय पसंद होती है, फिर सब चाहते हैं कि ठंड के मौसम में चाय पी जाए। मौसम थोड़ा सा रोमांटिक वे वे हो गया, पता क्या है, जैसे ये बीच में जो होल है ना, उसके सामने तक पूरी धूप आ गई है, थोड़ी मतलब धूप की चमक दिख रही है। और उधर देखो
वो पहाड़ तक पूरी बर्फ आ गई है, फिर वहां पे भी धूप है और यहाँ भी देखो वहां बारिश हो रही है। ओरियो तो फिलहाल तो अंधेरा हो गया और हम लोग यहाँ पे माँ भाई और साथ में आग ओरियो तो उधर है आग जला के हम मम्मी क्या कर रही है मम्मी देख रही है सीरियल आग मैंने जलाए भाई क्या कर रहा है भाई भी देख रहा है सीरियल वो डाउनलोड कर रहा है और मैं आग सेक रहा हूँ यहाँ पे आग और इस ठंड में इतनी ठंड हो रही है कि आग सेकनी बहुत जरूरी है। मम्मी कौन सा सीरियल देख रहे थे पापा जिसके बाद 900 एपिसोड है किसके 900 एपिसोड सात फेरे बहुत पुराना है देख तो लिया था तूने पिछली बार भी मुझे देखने में मजा आता है तो कांतारा मूवी देख इतनी जबरदस्त है ना माँ की देखो अभी पापा भी आ गए पापा ने जैसे तैसे आए सामान देखो उधर फेंक दिया और आग का सेवन कर रहे हैं ठंड हो रही ज्यादा ठंड में यही बड़ा बर्फ पड़ी है भाई सुनील बह गए हूँ यहाँ चाय गिलास घट गया बनाओ यह चाय गुड़ो पिलोनो वाली पिलोनो भी कह गई क्यों बोली बर्फ तो पड़ी रही है पापा देखो कितना ठंड अरे वहाँ तो इतनी बर्फ पड़ी है दिखाना क्या वो सुबह से दिखाई हाँ दिखाना मेरे को ना ना कहीं बैठे हुए थे पापा चाय पी का रहे पता नहीं कहाँ से इतना ठंड नहीं है। तो अभी फिलहाल डिनर हो गया हमारा आज डिनर का वीडियो बनाना मैं भूल गया जस्ट ऐसे ही बस निकल गया माइंड से अभी डिनर कर लिया मम्मी ने बर्तन वगैरह धारे धुल लिए और सफाई भी कर लिया पूरी मम्मी के लिए मम्मी और पापा के लिए बोतल पानी का मैंने रख लिया बाकी इस पे है मेरे लिए पानी मैं उधर अपने बोतल पर रख लूंगा बाकी करते हैं इस ब्लॉग का ये एंड फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में नए दिन के साथ तब तक के लिए शुभरात्रि और अपना ध्यान रखिए अपना ख्याल रखिए।